सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सब एक खेल बनाए माने, इसमें लीडर्स वीडर्स कोई नहीं है, सिर्फ यह है कि देखा जा रहा है कि आप कितना तौल सकते हो। अगर आपके अहंकार चढ़ गया तो गए आप, वो फौरन दिखाई दे। सहयोग में कोई चीज छिपती नहीं, सब चीज सामने आ जाती। मैं कुछ कहूं या ना कहूं, वो अपने आप मुंह पे ताला लगा के उतर आते अपने आप। हम लीडर है, देखा क्या कल मुंह में ताला लगा लिया, भाई क्यों, पहले हमने ये खराब काम कर। तो लीडर पे और जिम्मेदारी आ जाती है कि हम और अच्छे और नम्र और मीठे और प्यारे बन जाए, और सबको मिला के सबकी पूछ करके सबके से चले। अब ये सब चीजें आज रामचंद्र जी के विशेष दिवस पर हमें मानना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ भी जीवन में करके दिखाया, उसका कुछ भी अंश हम करके दिखाए तो माँ के जीवन को भी चार चांद लग जाए। उन्होंने इतने दिन वनवास किया, वनवास में रहे, जंगलों में बगैर कुछ पहने हुए घूमे फिरे, इतनी मेहनत कर, और सिर्फ अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। अब मेरी आज्ञा मानने के लिए आप लोग सिर्फ कोई वनवास जाने की जरूरत नहीं, आपको नंगे पैर घूमने की जरूरत नहीं, भूखे रहने की जरूरत नहीं, कुछ रहने की जरूरत, सब व्यवस्था है। लेकिन सहयोग में आपको लोगों को ठीक करना आना चाहिए, लोगों की बीमारियां ठीक करनी आनी चाहिए, और आपको सहयोग के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। और सबसे बड़ी जाननी चाहिए चीज कि सहयोग ये प्रेम है, ये प्रेम की शक्ति जो कार्य कराती है और कोई नहीं, और उसी से सब लोगों का भला हो सकता है। ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है, एक विशेष लोगों के लिए नहीं है, ये कोई एक देश के लिए नहीं है, ये है सारे विश्व के लिए। तो एक ये भी देखना चाहिए कि हमारा चित्त कैसा है, कहाँ जाता है, बार बार करके हमारा चित्त जाता है, उसको चित्त को निरोध करना चाहिए, रोकना चाहिए, उसमें आत्मा की शक्ति पूरी तरह से भरनी चाहिए, और मनुष्य को एकाग्र होकर के हर कार्य को करना चाहिए। भक्ति भाव से प्रेम से अगर जो करेगा वो बहुत गहरा उतरेगा, और नहीं तो ऐसे ही कचरा बहुत होता है, और कचरे का जो अंत होता है वो भी आप जानते हैं। तो आपको अगर कचरा बनना है और आप अपने को बहुत विशेष समझ रहे हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम तो ये कर लेते वो कर लेते, तो पहली चीज है कि नम्रता रखो, मेरे प्रति नहीं सबके प्रति नम्रता से बात करो और प्रेम से बात करो। देखना यही जो मनुष्य आज एक मानव है, बेकार चीज है, वही सहयोग में आते साथ कमल जैसे खिल जाता और उसका सुगंध चारों ओर फैलता। लोग मुझे आके फौरन बता देते, माँ ये आदमी है ना कमाल का, बस ऐसे ऐसे ही आप लोग सब काम करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए जैसे लोग कहते कि कमाल के, ऐसे आपके लिए भी कहें। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे लिए तो आप ही राम का मंदिर है, और आप ही इस मंदिर को अपने अंदर बनाए और उसकी पूजा हो और उसको संभाले, उसको देखें, और अपने आत्म सम्मान के साथ रहे, अपने आत्म साक्षात्कार का पूरा फायदा भी उठा रहे हैं, और उसी के साथ उसकी पूरी इज्जत और उसके प्रति भक्ति होनी चाहिए कि अब हम आत्म साक्षात्कार, हम ऐसे कैसे कर सकते, हम योगी हैं, हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, ये गलत काम। और आप देखिए कि एकदम आशीर्वाद उसी के साथ आ जाए, एकदम उसी वक्त। ये तो रोकड़ा देवी नाम रखा है लोगों ने मेरा, कितना हमने बस तय कर लिया और फौरन उसको आ गया, इतना इसका परिणाम इसका लाभ सबको हो रहा है। सिर्फ उस लाभ के अनुसार आप भी दुनिया को लाभ दें, जैसे कि श्री राम ने अपनी सारी शक्तियां इसमें लगा दी कि जन का हित हो, संसार में एक आदर्श पुरुष की एक मूर्ति बन जाए जिसको लोग देखें। जिस वक्त ये हमारे अंदर घटित हो जाएगा आपको आश्चर्य होगा कि आप सब के सब कहां से कहां पहुंच जाए। आपके अंदर कोई बीमारियां नहीं रहनी चाहिए, सब बीमारियां चली जानी चाहिए, उसको साफ कर दीजिए। जो आपकी आते हैं उसको आप बदल दीजिए, जो जरूरत है वो खाइए, जो जरूरत है उतना बोलिए,
सबको आप देखते रहे और इसके लिए अपने अंदर आप मनस जिसको कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने और देखना अंतर निरीक्षण निरीक्षण जिसको कि देखते रहना, क्या करा मैं, कि ये क्यों करा, मैं वो क्यों करा, मुझे क्या करने की जरूरत है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं सच हूँ, ऐसे क्यों करा, मेरा ये कहाँ जा रहा था, रुक जा, पूरी समय इस तरह से करने से ही आप ध्यान में हो जाए और स्वयं आपकी कुंडलिनी इससे बहुत संतुष्ट होकर और आपको ऐसा आनंद प्रदान करे कि आप कहेंगे माँ ये क्या मिल गया। लेकिन जब आप इसमें फिसल पड़िएगा फिर आप जानिएगा ये चीज क्या है, बस इसमें फिसल पड़ना है तभी तक की थोड़ी बहुत मेहनत है। आज मैंने कहा था कि रामचंद्र जी का तो 12 बजे जन्म हुआ था तो आराम से ही पूजा होने दो और ठीक हो रहा था। इसमें रामचंद्र जी की पूजा में तो कोई खास काम नहीं है और बहुत लंबी चौड़ी पूजा भी नहीं है, लेकिन इसमें समझने की जरूरत है क्योंकि वो मनुष्य स्वरूप थे और मनुष्य स्वरूप जो है वो अपने अंदर जो मनुष्यता है जिससे हम चीज को समझते हैं, इससे हमारे बुद्धि में, हमारे जिज्ञासा में और हमारे विचारों में परिवर्तन आ जाए, वो चीज श्री राम है। उन्हीं के माध्यम से हमारे विचार बदल सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक वो आदर्श है। उनके आदर्श तक पहुंचने के बाद ही दूसरे आप आदर्श तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का आदर्श कितनी बड़ी चीज है कि परमात्मा मनुष्य बनकर इस संसार में आए कि इनके लिए हम आदर्श बन जाए और सब विपत्तियां उठाएं, सब आफतें उठाएं, दिखाने के लिए कि कोई सी भी विपत्ति और आफत आती है मनुष्य को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, विश्व धर्म नहीं छोड़ना चाहिए और अपना योग है उसमें बने रहना चाहिए।